दोस्तों बहुत सी सरकारी नौकरियों में यह कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लिया जाता है और अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में भी मेडिकल के दौरान उसी तरह यह टेस्ट लिया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन फिर भर्ती में मेडिकल के दौरान उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही आपकी आंखों का भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करेंगे, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि कहीं आपको भी तो कोई इस तरह की समस्या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह टेस्ट होता कैसे है, कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत से कैंडिडेट अलग अलग तरह के समान दिखने वाले रंगों में अंतर नहीं कर पाते, उन्हें दोनों रंग एक जैसे समान दिखाई देते हैं लेकिन उनमें अंतर बहुत ज्यादा होता है और यहीं पर उन्हें मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभ्यर्थी की आंखों के रंगों को पहचानने की क्षमता को इस टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। यह टेस्ट मेडिकल के दौरान लिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट को इस तरह के एक बुक या कुछ पेपर दिखाए जाते हैं, जिसमें इस तरह के अलग अलग रंगों के गोलाकार शेप में कुछ धब्बे दिए गए होते हैं और उनके बीच में कुछ अलग मिलते जुलते रंगों के ही नंबर लिखे होते हैं, कोई आकृति बनी होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको 25 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो यह नंबर उस एग्जामिनर को बताना होता है। यहाँ पर यह 25 नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा लेकिन बहुत बार यह साफ दिखाई नहीं देता। तो चलिए अब आपका यह कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर लेते हैं। तो बताइए आपको दिखाई दे रही इस पिक्चर में कौन सा नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर यानी कि 2 लिखा हुआ है। अब इस पिक्चर में बताइए कि आपको क्या नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पिक्चर में 6 नंबर लिखा हुआ है और अब आखिर में इस पिक्चर में बताइए कि आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहां पर 18 नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप इनके बीच में लिखे गए नंबर को सही बता पा रहे हैं, सही देख पा रहे हैं, तो आपकी आंखें बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको इनके बीच का अंतर नहीं पता चल रहा, आपको सही से वह नंबर नहीं दिख रहा, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। यह समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगर परिवार में किसी सदस्य को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है तो वह आगे भी संतानों को हो सकती है और कई बार किसी दवाई का अत्यधिक सेवन करने से या आँखों में किसी तरह के फर्टिलाइजर, खाद वगैरह या कोई खतरनाक दवाई गिरने से यह समस्या हो सकती है। अगर इस तरह की कोई समस्या आपको या आपके किसी दोस्त को है तो उसे अच्छे से आंखों के डॉक्टर से मिलकर सलाह ले लेनी चाहिए। और इस मेडिकल टेस्ट संबंधित अगर आपको कोई सवाल है, कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।